मेरे को सिटी एक्टर तो ये जो एनिमे पूरी तरीके से मैं जॉनरा बता देता जो कॉमेडी ड्रामा और म्यूजिक को लेकर चलता है। एंड हाँ ये एनिमे है जो शायद तुम्हें कंफ्यूज भी कर सकता है, तो मैं इस एनिमे के बारे में ज़्यादा तुम्हें थोड़े बहुत हिंट भी दे दूँगा तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैं सीधा शुरू करता हूँ इसकी जो स्टोरी है वहाँ से मैं सीधा शुरू करता हूँ कि है कैसी। तो हमारा जो एक कैरेक्टर होगा इस एनिमे का जो हमें पहले दिखाया जाएगा उसका नाम होगा शिंतारो किसरागी, जो 18 साल का है। ये जो लड़का है अपने रूम से बहुत ही कम निकलता है और बट एक दिन लड़के लिए पता नहीं इसके कौन से चीज़ गायब हुई जहाँ पे वो बाहर निकलता है स्टोर रूम मतलब शॉपिंग मॉल में जाने के लिए कुछ खरीदने के लिए। एंड इसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी एंड उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो होता ऐसा है कि वहाँ पर गलती से आ जाते हैं रॉबरी करने वाले जो होते हैं जो उसको होस्टेज बना देते हैं वहाँ पर ही, उसे नहीं जो कोई भी शॉपिंग मॉल में रहता है उन्हें बना देते हैं। तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है जो उसको वहाँ से निकालता है जिसका नाम होता है मेको कुशी डैन। तो हाँ मेको कुशी डैन और ये होते कौन है इसके बारे में तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ से उसको निकालने के बाद वो शिंतारो को ज़बरदस्ती फोर्स करते कि तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले एंड वो उससे ज्वाइन करवा लेते। अब मैं बात करता हूँ मेको कुशी डैन हो है कौन, तो मैं बता दूँ ये जो ग्रुप है असल में कुछ टीनेजर्स बच्चों का है और ये जो इसकी जो शुरुआत है इस टीम की एक बच्चे से हुई थी, एक से तीन ने ज्वाइन किया और तीन से ये धीरे धीरे उन लोगों को ज्वाइन करते जिनके पास उस आई की पावर है। इसके अंदर एक मिस्टीरियस आई जो एक मिस्टीरियस आई पावर है जो अलग अलग बच्चों को अलग अलग कारण से दी गई है एंड वो एक कनेक्ट करते एक मॉन्स्टर से। जैसे ही हर एक एनिमे एपिसोड ख़त्म होगा उसके एंड में तुम्हें 2 या 3 मिनट की एक मॉन्स्टर की स्टोरी सुनाई जाएगी, उसको तुम स्किप मत करना क्योंकि हर एक एपिसोड में वो आएगा एपिसोड 10 तक जो तुम्हें धीरे धीरे बताया कि वो मॉन्स्टर की स्टोरी है एंड उससे जो कनेक्शन है वो इनकी पावर का भी तुम्हें पता चल जाएगा एंड इन्हें ये पावर क्यों मिलती है ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप में टोटल 10 मेंबर होते हैं एंड फिलहाल तो तुम्हें 9 ही मेंबर दिखे, 10वां मेंबर कौन है मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो इसमें है कुछ ऐसा, अब मैं कुछ हिंट दे देता हूँ होने के वाला इस एनिमे के अंदर। तो देखो इनको जो पावर मिली है ना एक मिस्टीरियस पावर है जो सबको नहीं पता कि इनके पास पावर है, बट ये कुछ इस सीरीज में कुछ एक दो इंसान ऐसे भी होगी जिन्हें पता है कि इनके पास पावर है। अब बात है कुछ सीक्रेट बात जो मैं बता दूँ, ये जो 10 जन ऑलरेडी ही मर चुके हैं पहले भी एंड ये चीज़ इन्हें नहीं पता, जिसमें से ये जो बात है सिर्फ 2 या 3 ही जन को पता है कि पहले भी मर चुके हैं। बट होता कुछ ऐसा है कि इस ग्रुप के अंदर कोई एक जन उस मॉन्स्टर की ग्रैंड डॉटर है जिसने विश कर दी थी मॉन्स्टर से कि ये जो जितने भी 10 जन है वापस से इनको लाइफ इनको मिल जाए, जिसके कारण ये 10 जन अभी वापस से जिंदा है एंड एक आदमी है एक कैरेक्टर है जो इनको वापस से मारना चाहता है एंड मारने पे उस इंसान को पावर मिल जाएगी कुछ पावर जो वो चाहता है। तो इस कारण इस ग्रुप को टारगेट किया जाए सॉरी इस ग्रुप को नहीं इन लोगों को टारगेट किया जाएगा। ये जो बात है मेको कुशी डैन के अंदर एक जन को पता है जो जानबूझ के ग्रुप बना के उसके ऊपर अटैक करवा रहा है और कुछ नहीं है, और इस कारण वो सब लोग तैयार रह गए एंड ये बात सबको नहीं पता बट कहाँ से शिंतारो को भी ये बात पता चल जाती है जिसके लिए वो भी तैयार हो जाता है। ये एनिमे के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें होगी जो तुम्हें शायद कंफ्यूज भी कर सकती है, पर जैसे जैसे तुम एनिमे देखोगे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या स्टोरी है। ये एनिमे म्यूजिकली ज़्यादा तो मुझे तो ये इसकी म्यूजिक बहुत अच्छी ठीक है बस और कुछ नहीं।